मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रविवार को विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुल 678 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इन जोड़ों में सभी धर्म एवं समुदाय के दुल्हा दुल्हन शामिल रहे, जहां एक और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू धर्म के पूरे विधि विधान के अनुसार जोड़ों की शादियां कराई गई, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के काजी ने कई जोड़ों का निकाह पढ़वाया। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समय समय पर निर्धन लोगों की शादियां सरकार अपने खर्च पर करवाती है, जिसमें उपहार सहित प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। कुछ ऐसे ही नव विवाहित जोड़ों से हमारे संवाददाता ने बात की तो अपने अनुभवों को कुछ इस तरह से बताए। हेलो से बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर इधर हमारी तरफ इधर इधर किसी दौरान और जयमाल की प्रक्रिया चल रही है। जनाब मौलाना जरूर अपना इतिहास लिखेगा तो विश्वविद्यालय का या प्रांगण जोर जोर से सोचे थे इस तरह से सामूहिक विवाह होगा, कैसा लग रहा है, कैसी है ये योजना, ये बताइए कैसी योजना है ये सामूहिक विवाह? अच्छी योजना है, गरीबों के लिए अच्छा। कैसा महसूस हो रहा है सबके साथ? पहले जो है लड़की के पिताजी जो है अपना हाथ नीचे रखेंगे। कभी सोचे थे कि इस तरह से शादी होगी? अपना हाथ ऊपर रखेगी। उनके साथ शादी हुई है, निकाह हुआ है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? तो अच्छा लग रहा है, जैसे किस तरह की योजना है, अच्छा है, ये कैसा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रहा है। पैसों की बचत हो रही है, इससे हमको अच्छा लग रहा है।